सो हाई गायज़ वेलकम और वेलकम बैक टू माई चैनल सो जब से मैंने वो एन एम की फ्रॉड की वीडियो बनाई है ना तो आप लोगों के कुछ रिक्वेस्ट थे कि सिमरन एक स्टूडेंट डैशबोर्ड के ऊपर भी वीडियो बनाओ क्योंकि बींग अ न्यू स्टूडेंट ऑफ एन एम एम एस कुछ स्टूडेंट्स को ना कुछ डिफ़िकल्टी हो जाती है कि हम स्टूडेंट डैशबोर्ड को कैसे एक्सेस करें एंड उसके जो एलिमेंट्स हैं जो कोर्सेज हैं कैसे उनको गो थ्रू करना है सो so, आज मैंने सोचा कि चलो एक वीडियो बना दी जाए सो so, अगर आपने वो एन एम की फ्रॉड की वीडियो नहीं देखी सो so उसका आपको लिंक आई ड बटन या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा सो डू चेक इट आउट एंड विदाउट एनी फर्दर ड्यू लेट गेट स्टार्टेड सबसे पहले आप लोगों को अपने क्रोम में आ जाना है क्रोम या ब्राउजर पर आके हमें सर्च करना है एन एम स्टूडेंट पोर्टल ठीक है उसके बाद जो ये हमें साइट देखने को मिल रही है ये फर्स्ट वाली साइट है स्टूडेंट जोन एन जी एस सी डॉट एन एम आई एम एस डॉट एड करके है वेलकम टू स्टूडेंट पोर्टल हम इस पर जाएंगे ठीक है उसके बाद हमारे पास ये इंटरफेस आ रहा है लॉग इंटरफेस है जो हमें अपने क्रेडिडेंशियल्स जो आपको रिसीव हुए हैं ना मेल आई पे आपको ये फिल आउट करने हैं सैप आई डी विद योर स्टूडेंट पासवर्ड ठीक तो यहाँ पर जैसे मेरी यूज़र नेम ऑलरेडी फ़िल्ड है क्योंकि मैं लॉग इन हूँ ऑलरेडी तो इसलिए हम लॉग इन करेंगे अपने यहाँ पर सैप आई और पासवर्ड डाल के आप यहाँ पर लॉग इन करना है लॉग इन होकर फिर हमारे पास अपना पूरा स्टूडेंट का डैशबोर्ड खुल जाएगा ये हमारा पूरा इंटरफेस आ गया है अब हम स्टेप बाय स्टेप इनके एलिमेंट्स को गो थ्रू करेंगे देखो जस्ट सबसे पहले मेरा नाम लिखा है और मेरी मेल आई रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ये मेरा स्टूडेंट आईडी है ये हमारे जो स्टूडेंट डैशबोर्ड पे सबसे पहले हमें अकेडमिक कैलेंडर शो होता है जो कि है हमारा सब्जेक्ट्स का जो कैलेंडर है यहाँ पर हमारी सेशन रिकॉर्डिंग्स हैं ठीक है ये यहाँ पर जो आपको नोटिफिकेशन बेल टाइप का ऑप्शन दिख रहा है ये होता है नॉर्मल बेसिक नोटिफिकेशन के लिए आपको इसी के थ्रू पता लगेगा कि जो भी मेन जो आपको अपडेट आई है वो यहीं पर ही आपको शो होगी जैसे अब हमारे कुछ टाइम पहले ना असाइनमेंट्स की अपडेट आई थी असाइनमेंट्स की अपडेट जैसे हमारा जो जनवरी बैच के स्टूडेंट्स हैं जो जैसे मैं अभी जनवरी बैच की हूँ तो जनवरी बैच में हमारे असाइनमेंट्स लाइव हुए थे फिफ्टीथ मार्च को तो देखो मुझे फिफ्टी मार्च का आया हुआ है फॉर जून ट्वेंटी एग्जाम साइकिल द इंटरनल असाइनमेंट इज मेड लाइव फिफ्टीन मार्च को हमारे लाइव कर दिए गए थे असाइनमेंट्स अगर आपको असाइनमेंट की भी वीडियो चाहिए ना तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना आई विल डेफिन फिनेटली मेक इट और उसके बाद देखो सेकेंड ऑप्शन है ये हमारा अकेडमिक कैलेंडर ये हमारी क्लासेस होती हैं कि किस बेसिस पे आपने चला है जैसे बाय मंथ वीक वाइज और डे वाइज और लिस्ट करके ना ये हमारा सारा एक अकेडमिक कैलेंडर है हम ट्रैक वाइज चल सकते हैं इसमें वीकडे स्लो ट्रैक ये फास्ट ट्रैक्स होते हैं ये आपको आपके काउंसिलर ने बता दिया होगा ठीक है और ये है हमारा सेशन वीडियोस यहाँ पर हमें अपने सारे सेशन वीडियोस देखने को मिलेंगे जो हमारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं जैसे मैंने अपना प्राइम ऑप्शन चूज़ करा है प्राइम ऑप्शन में हमारे पास रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं ठीक है अब जैसे मैं दीप प्रोफेसर दीपक गुप्ता सर की मैं वीडियोज़ देखती हूँ जैसे अब मार्केटिंग मैनेजमेंट उनका आ, सब्जेक्ट रहता है यूजली हाँ मार्केटिंग मैनेजमेंट ही है उसके बाद ये देखो हम फिल्टर आउट करके भी ना जिस जिस भी स्पेसिफिक प्रोफेसर की आप वीडियोस देखना पसंद करते हैं ना तो आपको उसी के टॉपिक पे उन्हीं की जो स्पेसिफिक वीडियोस देखने को मिल जाएंगी बैच ट्रैक है ये वीकेंड एंड स्लो ट्रैक है आप देख सकते हैं उसके बाद जो हमारा है ये बुक मार्क्स है बुक मार्क्स में हमें यहाँ पर ये वो वाला कंटेंट शो होगा जो हम वीडियोस या फिर लेक्चर्स या फिर कोई भी पीडीएफ वगैरह को ना सेव कर लेते हैं बुक मार्क्स सारा कंटेंट जो सारा सेव्ड कंटेंट है ना वो हमें यहीं शो होगा उसके बाद हमारे पास ऑप्शन है ये असाइनमेंट्स का असाइनमेंट्स में हमें ये देखो असाइनमेंट मार्क्स जैसे मैं अपने असाइनमेंट दिखा देती हूँ जनवरी बैच का तो ही गया ये देखो ये हमारे सारे असाइनमेंट्स हैं जैसे बिजनेस इकोनॉमिक्स फाइनेंशियल अकाउंटिंग ये मेरा क्वेश्चन फाइल है यहाँ से हम क्वेश्चन फाइल को एक्सेस करेंगे ये मेरा है बिजनेस इकोनॉमिक्स और असाइनमेंट सबमिशन की मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी मैं भी अपने असाइनमेंट अभी स्टार्ट कर दी है मैंने आप लोग अपना भी बताना कि आपने असाइनमेंट कितने बना लिए और कितने रहते हैं कहीं तो स्टार्ट भी नहीं करे होंगे जहाँ तक मुझे लग रहा है ठीक है तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स हैं सिक्स सब्जेक्ट्स हैं हमारे पास और असाइनमेंट के जो मार्क्स अलॉट होंगे वो हमें इस सेशन में देखने को मिलेंगे असाइनमेंट मार्क्स और ये डेमो एग्जाम तो हमारा बाद में आएगा जब हमारे एग्जाम्स होंगे जून इन द इन द मंथ ऑफ जून डेमो एग्जाम हमारा उस लिए है हमें एक बार ये डेमो एग्जाम देना पड़ेगा अपनी इंटरनेट का जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी होती है उसको चेकआउट करने के लिए ये हॉल टिकट भी उसी टाइम आएगी और ये लास्ट है हमारा बैजेस एक मिनट ये डिजिटल लाइब्रेरी में भी आपको स्टफ देखने को मिलेगा यू एफ एम बेसिकली उसके लिए होता है जो अनफेयर मीन्स हो रहा था ना जैसे आपका कोई एग्जाम कंडक्ट हुआ फिर आपने जिसमें थोड़ा चीटिंग वगैरह आपका देखा देखा गया तो आपने थोड़ा चीटिंग वगैरह करी हुई है जैसे प्लेगरिज्म आ गया आपके असाइनमेंट या फिर कुछ भी किसी भी एग्जाम्स में आ गया तो ये यू एफ एम में आपको यू एफ एम भेज दिया जाएगा यूनिवर्सिटी की साइड से अनफेयर मीन्स करके फिर आपको दोबारा उसके लिए अप्लाई करना पड़ेगा सो मेक श्योर कि प्लेगरिज्म वगैरह चेकआउट करके ही सारा डिटेक्ट करके ही अपलोड करना चाहे एग्जाम हो चाहे असाइनमेंट असाइनमेंट बाकी अलग से मैं प्लेगरिज्म के ऊपर एक जरूर वीडियो बनाऊंगी असाइनमेंट रिलेटेड आज मैंने सिंपल एक स्टूडेंट डैशबोर्ड का सोचा था तो इसलिए मैंने वीडियो बनाई ये हमारी अटेंडेंस है अटेंडेंस है तो हमारे ख्यार कोई मैटर ही नहीं है हमारा क्योंकि हम प्राइम ऑप्शन वाले हैं कि प्रो ऑप्शन के लिए जिनके डेली लेक्चर्स लगते हैं ना लाइव लेक्चर्स होते हैं तो उनके लिए सो ये था हमारा बेसिक स्टूडेंट डैशबोर्ड अगर आपको और भी कोई क्वेरी है तो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन अगर आपको एन एम की एडमिशन से रिलेटेड कोई असिस्टेंस चाहिए या फिर कोई भी क्वेरी है सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन और आप मुझे मेरे पर्सनल नंबर पर भी कनेक्ट कर सकते हो ठीक है सो थैंक्स फॉर वॉचिंग कीप सपोर्टिंग कीप शेयरिंग एंड कीप लविंग थैंक यू